नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को। तो हम लोग अभ्यास एक कर रहे हैं। अभ्यास एक में स्वयं द्वारा स्वयं को देखने का, मैं द्वारा मैं को देखने का, अर्थात चैतन्य द्वारा चैतन्य को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। इसके स्टेप वन पे हमने अपनी कल्पनाशीलता के प्रति सजग होने का अभ्यास किया। उसमें भी मूल रूप से अपने भाव के प्रति सजग होने का अभ्यास किया, बिना मूल्यांकन किए, बिना उसे बदले, बिना उसकी कोई प्रतिक्रिया किए, जैसा है उसको वैसा एक दृष्टा भाव के साथ देखने का अभ्यास किया। स्टेप टू में हम इस बात को देखते रहे कि जो भी मेरे अंदर भाव है वो मुझे सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं। स्टेप थ्री में उसके साथ अपनी स्थिति का आकलन किया कि उसके साथ मैं आराम में हूं या परेशान हूं। इस क्षण मेरे अंदर जो भाव है वो सहज है या असहज है, उसके साथ जो मेरी स्थिति है वो सुखद है या दुखद है, इसको ऑब्जर्व किया। चौथे स्टेप में ये देख रहे हैं कि जो भी मेरे अंदर भाव है उसका निर्णय कौन ले रहा है, मैं स्वयं ले रहा हूँ या बाहर की कोई परिस्थिति ले रही है या कोई अन्य व्यक्ति। तो एक सामान्य रूप से ये मान्यता है कि जो भी मेरे अंदर परेशानी है, दुख है, उसका कारण बाहर है, कोई दूसरा व्यक्ति है या कोई परिस्थिति है। परंतु थोड़ा सा ध्यान देते हैं अपने ऊपर तो दिखता है कि मैं अपने भाव का निर्णय स्वयं लेता हूँ। बाहर की कोई परिस्थिति होती है वो मेरे अंदर जो समझ का अभाव है या जो मान्यताएं हैं इसको ट्रिगर कर देती हैं, जिससे मैं परेशान हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ। उसी परिस्थिति में मैं आराम में भी रह सकता हूँ, उसी परिस्थिति में परेशान भी हो जाता हूँ। ये पूरी तरह से मेरे ऊपर निर्भर करता है। इसको जरा बारीकी से देखते हैं तो ये दिखता है कि मैं अपने भाव के लिए, अपनी कल्पनाशीलता के लिए, अपने सुख दुख के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ। बट इसको मान के शुरू नहीं करना है, इसको अपने आप में ऑब्जर्व करना है, अपनी बारीकी के साथ देखना है। इसको हम लोग स्टेप फोर में ऑब्जर्व करते रहे। तो मुझमें जो भी भाव विचार चल रहा है उसका निर्णय मैं ही लेता हूँ। कोई और व्यक्ति हो या बाहर की कोई परिस्थिति हो, मात्र ट्रिगर का काम करती है। ट्रिगर करने मतलब कि उसको एक तरह से कहें सामान्य भाषा में उकसा देती है, ठीक है ना, मेरा उस ओर ध्यान खींच देती है। परंतु अंततः मैं ही अपने भाव विचार का निर्णय लेता हूँ। तो अपने भाव विचार के आधार पर ही मैं सुखी दुखी होता हूँ। इस अर्थ में मैं ही अपने सुख दुख के लिए 100% जिम्मेदार हूँ, पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ। ये बात अपने ऑब्जर्वेशन में आ सकती है। तो अभी जितने भी साथी हम अभी इस बात को शेयर कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, क्या लगता है, इस बात को अपने आप में देख पा रहे हैं क्या? इसको आप चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। क्या यह देख पा रहे हैं कि मैं अपने सुख दुख के लिए 100% जिम्मेदार हूँ? इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो उसको रख सकते हैं। इसको अपने आप में और ऑब्जर्व करें। इसको मानने से शुरू नहीं करना है, चूंकि सत्र में ये बात कही जा रही है इसलिए इसको मान लिया। ये सहज रूप से अपने आप में दिख पा रहा है क्या? यदि नहीं दिख पा रहा तो उसके संबंध में कोई भी प्रश्न उसको रख सकते हैं। भैया आपने जैसा अभी बताया बहुत अच्छा है, भाव विचार से ही निर्णय लेता हूँ अपने ही, लेकिन बाहरी परिस्थितियों से ट्रिगर होता हूँ। पहले से दिमाग में बना हुआ है, जैसा अभी आपने बताया कि पहले से जो भी संस्कार मिला हुआ है तो उससे मेरी कुछ आदतें बन जाती हैं। अब उन आदतों में कुछ पता चलता है, महसूस भी होता है कि ये आदतें ठीक नहीं है, तो उसे कैसे ठीक किया जाए? अब वो आदत है तो वो आदत तो चलता ही जा रहा है, वो चूंकि मुझे सुख दे रहा है, समाज के लिए दुख दे रहा है, तो उसको ठीक कैसे किया जाए, ये थोड़ा सा प्रश्न बन रहा है दिमाग में। तो आपको दिखेगा कि किसी भी क्षण में हम वही निर्णय लेते हैं जिसमें हमको सुख लगता है। तो वो आदत इसलिए बन गई है क्योंकि उसमें अपने को सुख लगता है। फिर बाद में जब उसका विश्लेषण करते हैं तो ऐसा पता लगता है कि वो समाज के लिए हितकर है। हाँ, परंतु अभी ये बात अपने आप में तय नहीं कर पाते हैं कि जो मुझे उससे संवेदना मिल रही है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है या जो समाज का हित है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वरीयता नहीं तय हो पा रही। तो समाज के हित में सुख है कि नहीं? भैया वरीयता तय मतलब होती है, लेकिन इसमें ये महसूस होने लगता, मतलब ये फील होने लगता है कि अरे समाज को अभी पीछे रखो, पहले तो खुद, मतलब आदमी हमेशा खुद को ऊपर ही रखेगा ना, पहले अपना ही सुख ऊपर रखेगा, तो वो फिर वो पीछे हो जाता है और वो फिर ठीक नहीं हो पाती, फिर वो आदतें बनी ही रहती है। जो भाव विचार पहले से चल रहा है, जो संस्कार में बना हुआ है, वही चल रहा होता है, वही वरना। तो उस क्षण में तो वरीयता हमने बदल दी जी, जिसमें समाज का हित है वो मतलब छोटी वरीयता हो गई, जो बड़ी वरीयता है वो तो जिसको हमने सुख माना हुआ वो बन गया। तो ये भी अपने आप में ऑब्जर्व करना है कि अगर समाज के लिए अहितकर है तो उसको क्यों नहीं करना है।
अगर हमने सिंपली माना हुआ है कि जो कि समाज के लिए हितकर है इसलिए नहीं करना है, तो वो निर्णय फिर बना नहीं रहेगा। तो अभी हमने कुछ मान लिया है कि ये चीज़ समाज के लिए ठीक नहीं, इसे नहीं करना है, बट क्यों नहीं करना है एक बात, और अगर ये नहीं करना है तो क्या करना है दूसरी बात, ये दोनों ही तय नहीं है। तो हो सकता है किसी ने कुछ कहा हमको बात, उसकी उस समय तो ठीक लगी कि हाँ ये बात तो ठीक कर रहा है, समाज का हित हो रहा है, बट समाज का हित क्यों नहीं करना है ये स्पष्ट नहीं है। और यदि ये अहितकर है तो हितकर क्या है, फिर हम अपने अंदर बहुत सारा एक्सप्लेनेशन ले आते हैं कि सिर्फ मैं ही थोड़ी हूँ, सारे लोग समाज का हित कर रहे हैं, और मेरे इतने कर देने समाज का कौन सा बड़ा हित हो जाएगा, है ना, संवेदना तो मिल रही है, अभ्यास तो पूरा हो रहा है, ये चीज दिमाग में आ जाता है फिर उसमें। बिल्कुल ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमको अभी भी लगता है कि सुख स्वभाव नहीं, कोई ना कोई प्रभाव है, जो शरीर से मिलने वाली संवेदना है या दूसरे से मिलने वाला अनुकूल भाव है, इन्हीं में हम अभी कहीं ना कहीं सुख को लोकेट कर रहे हैं, सुख को पहचान रहे हैं। तो हमको सुख को समझना होगा कि है क्या। तो जो डेवन पे बात हो रही थी कि सुख स्वभाव है या प्रभाव है, इस बात पे अपने को क्लैरिटी चाहिए। तो जब तक हमको ये ना दिख जाए कि सुख स्वभाव है, यानी सुख का जो स्रोत है सही समझ सही भाव ही है, और वो स्रोत हमारे भीतर है, जब तक ये बात हमको स्पष्ट रूप से ना दिख जाए, हम उसको कहीं ना कहीं बाहर के प्रभाव के रूप में देखते हैं, और उसका एक भाग है जो आपने शेयर किया, ठीक। तो कोई अनुकूल संवेदना का कोई अभ्यास है जिसको हमको सुख लगता है, हम उसे सुखी होने का प्रयास करते रहते हैं, उस पर भी अनुकूल संवेदना के लिए हम परतंत्र क्यों है, क्योंकि अभी हमको स्वतंत्र होकर सुखपूर्वक कैसे जीना है यह स्पष्ट नहीं है, इसलिए परतंत्र बने हुए, निर्भरता बनी हुई है। वो धीरे धीरे निर्भरता जाती है जब हमको सुख का स्रोत स्वयं में दिखाई देने लगता है, समझ और भाव के स्तर पर दिखने लगता है। तो आप इसको बहुत निर्णयपूर्वक बदलेंगे भी रोकेंगे भी तब भी वो जाएगा नहीं, क्योंकि जो उसका विकल्प है वो आपको स्वयं में नहीं दिख रहा है, तब तक वो बना ही रहेगा। तो उस पर अपने को काम करना है ठीक से कि हमको सुख का स्रोत स्वयं में दिखाई दे। तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि क्या काम करना है, कैसे मतलब ठीक किया जा सकता है। अभी जो कर रहे हैं, अभी हम लोग सारा अभ्यास इसीलिए कर रहे हैं कि सुख स्वभाव हमको दिखने लगे। अच्छा। कैसे कैसे हम दूसरे से मिलने वाले अनुकूल भाव से प्रभावित होते हैं, शरीर से मिलने वाले संवेदना से प्रभावित होते हैं, उसको ही तो ठीक से ऑब्जर्व कर रहे हैं इन दोनों अभ्यासों में। तो अभ्यास एक में भाव को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभ्यास दो में हम लोग जो संवेदना का प्रभाव है उसको भी स्टडी करेंगे। और अभी भी जैसे स्टेप फोर पे हम ये देख पा रहे हैं कि इस भाव का निर्णय तो मैंने ही लिया, ठीक है ना, आगे और जाएंगे कि किस आधार पर निर्णय लिया, और अगर आधार सहज रूप से स्वीकार नहीं है तो सहज रूप से स्वीकार आधार क्या है उसको देखेंगे। यही कुल करने का काम है। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। कभी कभी ऐसा मतलब ऐसा बहुत स्ट्रांगली लग रहा है भाव आ रहा है, ऐसा नहीं होता है, जैसे ऐसा बोल नहीं सकते कि हाँ मैं सुखी हूं मगर दुखी भी हूं, ऐसा भी नहीं है। तो कुछ तो अभी ऐसा दिख रहा है कि अभी के स्थिति में हाँ मतलब कह नहीं सकता, ऐसा अगर है तो उसके और अंदर जाना है क्या, मतलब अभी जो मैं जी अभी तो देखिए, अगर हम उसको सिंपली सुख या दुख कह देते हैं उससे हाँ। बहुत ठीक से स्पष्ट नहीं होता, तो भाव है क्या ये हमको हाँ। देखना होगा। जैसे दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध में मेरा भाव क्या है, सम्मान का है या अपमान का है, स्नेह का है या द्वेष का है। काफी बार वो अपने आप में ही है, मतलब दूसरे व्यक्ति के ऊपर नहीं है, मगर मैं मेरे खुद के साथ जो मेरे अंदर चल रहा है उसके साथ मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ या क्या भाव बना हुआ है। हाँ, अपने आप में भी देखेंगे, अपने आप हाँ। में भी या तो हम अपने बारे में विचार कर रहे हैं या अपने संबंधी के बारे में विचार कर रहे हैं या शरीर के बारे में विचार कर रहे हैं या शेष प्रकृति के बारे में विचार कर रहे हैं, कितना ही भर हो सकता है। तो जो भी विचार कर उसके पीछे भाव क्या है, जैसे अपने बारे में विचार कर, अपने भविष्य को लेकर विचार कर रहे हैं, तो कहीं अगर भय का भाव है, असुरक्षा का, विरोध का भाव है, स्थिति दुखद हो जाती है। तो अभी स्टेप वन में तो ये कह रहे हैं सिंपली ये देखें भाव है कि नहीं, और है तो क्या है, सुखद है या दुखद है, सहज है या असहज है, उसको आगे के स्टेप में देख रहे हैं, और स्टेप फोर में देख रहे हैं कि सर निर्णय कौन ले रहा है। स्टेप वन पे तो अपने को लौट लौट के काम करने की जरूरत है कि एग्जैक्टली हम देखें कोई भाव भी है या नहीं। कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई भाव है ही नहीं, फिर विचार ही चल रहे हैं। तो विचार के पीछे भाव को देखेंगे, विचार के पीछे भाव कैसे देखेंगे, उसके लक्ष्य को पहचानेंगे, क्यों प्रश्न अपने आप से करेंगे, जैसे कोई विचार चल रहा है क्यों चल रहा है उसको पूछेंगे अपने आप में। तो जब हम क्यों प्रश्न का उत्तर अपने आप में देखते हैं तो वहां से भाव स्पष्ट होने लगता है।
जी भैया, ट्रिगर करने का मतलब कि जिसको हम लोग सामान्य भाषा में उकसा देना कहते हैं ना, उसको वहां पे फूक कर देना, उकसा देना, वहां पे उसको जीवित कर देना, तैयार कर देना कोई भाव हमारे अंदर। तो जैसे मान लीजिए हम अपने आप में आराम में नहीं है, ठीक, और अगले व्यक्ति ने आकर हमको ठीक से नमस्ते नहीं किया। अब जो हमारे अंदर असहज स्थिति थी, उसके नमस्ते ना करने से वो और ट्रिगर हो गया, तो असहजता बढ़ गई कि कहीं आवेश था, वो बढ़ गया आवेश हमारे अंदर। तो क्या हुआ, अगले व्यक्ति ने जो व्यवहार किया उससे हम असहज हो गए, ऐसा नहीं है, हम असहज पहले से ही थे, उसके कारण हमको हमारी असहजता और स्पष्ट हो गई और प्रकट हो गई। तो हम अपने आप में सहज नहीं थे, है ना, तभी हम असहज हुए। अगर हम अपने आप में सहज होते तो फिर अगले व्यक्ति के व्यवहार को देखकर उसके साथ संबंध का मूल्यांकन करते और उसमें अपनी भागीदारी तय करते कि अच्छा ये व्यक्ति अभी हमारे साथ संबंध में कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए ठीक से नमस्ते नहीं किया, तो फिर उसका मूल्यांकन भी करेंगे कहीं हमारे द्वारा उसके साथ जीने में कोई चूक तो नहीं हुई। तो हमारा पूरा विचार क्रम एक प्रकार से चलेगा। हम अपने आप में असहज हैं, अगले व्यक्ति ने हमको ठीक से नमस्ते नहीं किया, उसको लेकर हम आवेशित हो गए, ठीक, फिर अगली बार जब वो मिला तो हमने उसके साथ कुछ रिएक्ट किया, उसे वो आवेशित हो गया, और ऐसा क्रम चलता रहता है। भैया आप शुरू में बोला था आपने कि आपके जीवन में जो आपको असहज कर रहे जो चीजें हैं उसका एक ये बनाओ, इसलिए कहा था कि वो जितने भी हमारे कंसर्न्स हैं उनकी एक लिस्ट बना लें हम कि किन किन मुद्दों पे हमारा ध्यान जाता है, जो मेजर मुद्दे हैं। तो आप बैठते हैं तो आप ध्यान देना शुरू करते हैं तो उन्हीं मुद्दों पे ध्यान लौट लौट के जाता है, उसकी लिस्ट बना लें, है ना, फिर समय निकाल कर उसको ठीक से अपने अंदर रिजॉल्व कर लें कि ये अल्टीमेटली मुद्दा है। कॉलेज में किसी व्यक्ति के साथ संबंध को लेकर एक मेजर कंसर्न हो सकता है, घर पे परिवार में संबंध को लेकर कोई मेजर कंसर्न हो सकता है, स्वास्थ्य को लेकर कोई मेजर कंसर्न हो सकता है, सुविधाओं को लेकर कोई मेजर कंसर्न, या अपनी आय को लेकर कोई मेजर कंसर्न हो सकता है, उसका लिस्ट बना लें, फिर उसको हम जाके देख सकते हैं अल्टीमेटली मुद्दा क्या है। तो आय के बारे में सोच रहे हैं तो अल्टीमेटली मुद्दा समृद्धि का है ना, परिवार में अगर हम देख रहे हैं तो अल्टीमेटली मुद्दा संबंध का है, स्नेह का है, कॉलेज में भी देख रहे हैं तो अल्टीमेटली हमको वहाँ व्यवस्था में भागीदारी स्पष्ट होनी है, उसको फिर हम रिजॉल्व कर सकते हैं, और जो बेसिक इश्यूज हैं उस पर हम अपने अंदर काम कर सकते हैं। तो फिर ये जो बहुत सारा मशक्कत करना पड़ता है अपने विचारों में, कि हम घंटों घंटों विचार करते हैं और सेटल नहीं कर पाते, उसकी आवश्यकता नहीं बनेगी, है ना, फिर उसको हम बहुत सहज रूप से अपने आप में रिजॉल्व कर सकते हैं। भैया जैसे बात चल रही थी अपने सुख दुख का कारण हम ही है, तो उसके बारे में जस्ट जो एक रूटीन अपना लाइफ चलता है, जैसे कि सुबह से शाम तक ऑफिस में काम किए, बहुत सारे पब्लिक के साथ इंट्रैक्शन हुआ, कुछ अनबन हुआ, और बहुत सारे इधर उधर घूम के टायर्ड हो के घर को आ गए, तो ट्रिगर वाली बात जैसे कि घर में आने के बाद बीवी फिर कंप्लेंट्स, वो हुआ ये हुआ, तो उधर से मेरे को ट्रिगर आया, तो उसको मैं कैसे उसको मैनेज करूँ, हैंडल करूँ इसको, तो ट्रिगर ऑलरेडी मैं तो परेशान ही हूँ, तो इसको कैसे हैंडल करना है, मैनेज करना है, यानी अपने अंदर मैं ही कारण हूँ इसका इश्यू का, और उसको मैं इसको स्मूथली हैंडल करे कैसे अपनी लाइफ को ईजी बनाऊँ, थोड़ा इसके बारे में। जी देखिए, इसमें मूल मुद्दा तो ये है कि अभी हम चित्रण के स्तर तक जी रहे हैं, चिंतन में भाव स्थापित नहीं हुआ है, तो करने काम तो यह है कि चिंतन में सही भाव स्थापित हो जाए, ऐसे भाव जो हमको सहज रूप से स्वीकार है, जैसे विश्वास का भाव, सम्मान का भाव, है ना, ये भाव हमारे अंदर स्थापित हो जाए, मूल काम तो ये करना है। इसको करने में ही अभी हम अभ्यास कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम स्टेप 1 टू स्टेप 7 जाएंगे तो दिखेगा कि अगर मेरे भाव का आधार मान्यता है तो वहाँ समझ क्या है उसको देखेंगे, अगर ये भाव असहज है, ये भाव सहज रूप से स्वीकार नहीं है, तो सहज रूप से स्वीकार क्या है इसको भी देखेंगे। तो ये हम लोग जैसे जैसे आगे स्टेप से बढ़ेंगे तो करने वाले हैं, स्टेप 5 में कुछ जो ऑब्जर्व करेंगे, फिजिक्स में ऑब्जर्व करेंगे, और फिर इसको पूरे जीने में ले जाएंगे कि अल्टीमेटली हमको ऐसी स्थिति में आना है कि मेरे जीने में हर निर्णय सही भाव के आधार पर ही हो। तो एसेंशियली देखें तो अपने को चित्रण से चिंतन की ओर संक्रमण करना है। तो चित्रण के स्तर तक तो हम जी रहे हैं, बट उसमें दिखता है कि कुछ भाव सहज स्वीकृति के आधार पर हैं, कुछ मान्यताओं के आधार पर हैं, कुछ संवेदनाओं के आधार पर हैं, और उसे पूरी कल्पनाशीलता चल रही है, इसीलिए असहजता है। उसमें भी जितना मान्यताओं या संवेदनाओं का ज्यादा प्रभाव होगा उतनी ज्यादा असहजता होगी, सहज स्वीकृति के आधार पर जितना काम करेंगे अपने अपने आप में उतने सहज होंगे। तो एसेंशियली तो हमको अपने अंदर सही भाव स्थापित करना है,
उसके लिए ध्यान देना है, उसके लिए ये अभ्यास कर रहे हैं, उसी के लिए वर्कशॉप कर रहे हैं, उसी के लिए भागीदारी भी कर रहे हैं, खुल करने काम तो इतना ही है। तो ऐसा करते हैं हम लोग 10 मिनट ऑब्जर्व करते हैं अपने आप में। इस 10 मिनट में हमको ये देखना है कि मेरे अंदर क्या भाव चल रहा है, वो भाव सहज है या असहज, सुखद या दुखद, और ये भी देखना है कि उस भाव का निर्णय किसने लिया। तो अभ्यास का जो पहले 3 स्टेप्स उसको करते हुए अब हो सकता है हम इसको बहुत कम समय में अपने आप में पूरा कर पाए और इसको देख पाए कि अल्टीमेटली अपने भाव के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ या दूसरा कोई व्यक्ति जिम्मेदार है या कोई परिस्थिति जिम्मेदार है। इसको ओपन रखें, है ना। अगर इस निष्कर्ष पे हम अपने आप पे पहुंच पाते हैं कि मैं ही जिम्मेदार हूँ, बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो इसको ओपन रखें, इसको और बारीकी से देखें। ऐसा भी लग सकता है कि उस परिस्थिति में एक भाग के लिए तो मैं जिम्मेदार था, दूसरे भाग के लिए दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार था, परंतु जहां लगता है कि परिस्थिति के लिए भी दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार था, वहां पे भी अगर मेरा भाव बिगड़ा, मैं असहज हुआ, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार था। तो इसको अपने आप में बारीकी से देखना है। अभी हम 10 मिनट का समय लगाते हैं, 10 मिनट में इसको ऑब्जर्व करें। बढ़िया, तो इस बात को हम बारीकी से अपने आप में ऑब्जर्व करें कि मेरे अंदर जो भी भाव है क्षण क्षण में, वो मेरा ही निर्णय है या उसका आधार कुछ और है, यानी उसका निर्णय मैंने ही लिया। बाहर की परिस्थिति जैसी है वैसी है, शरीर की जो स्थिति है जैसी है वैसी है, परंतु मेरे अंदर जो भाव बिगड़ा उसके लिए जिम्मेदार कौन है, मैं स्वयं या मेरा शरीर या बाहर कोई परिस्थिति, कोई अन्य व्यक्ति, क्या है, उसको अपने आप में और ऑब्जर्व करें। इतनी बात को लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग हो तो रख सकते हैं। तो इसको हम जितना ऑब्जर्व करेंगे ये पाएंगे कि मैं अपने सुख दुख के लिए 100% जिम्मेदार हूँ। फिर यहाँ से क्या होता है, हमारे अंदर एक जिम्मेदारी का भाव आता है, फिर हमारे अंदर ये जो बहुत सारा विचार चलता है, बहुत सारा ब्लेम गेम चलता है, जहाँ मैं अपनी परेशानियों के लिए, अपने दुख के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराता रहता हूँ, उससे हम निकल पाते हैं। और इसके साथ मैं अपनी भागीदारी तय कर पाता हूँ कि किसी परिस्थिति में मेरी भागीदारी क्या है, है ना, परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। अगर मेरा भाव स्पष्ट है, मुझे दिखता है कि मेरे अंदर हर समय सहज भाव ही रहता है, तो फिर मैं उसके साथ अपनी जिम्मेदारी ठीक से निर्वाह कर पाता हूँ, अपनी भागीदारी को ठीक से तय कर पाता हूँ, उसके पक्ष में निर्णय ले पाता हूँ। और यही कुल करने का काम है ना, कि मेरा भाव ठीक बना रहे, उसके साथ मैं भागीदारी करता रहूं। मैं ये बात जानना चाह रहा था कि जैसे आपने एक बात अभी बोली कि शरीर अपनी स्थिति पर है और परिस्थितियां भी अपनी स्थिति पर है, लेकिन किसी परिस्थिति में ऐसी स्थिति है कि कोई व्यक्ति इंटेंशनली अगर बार बार उसको निगलेक्ट करता है किसी व्यक्ति को, या कुछ और ऐसी स्थिति आती है, तो उस वक्त तो भाव में तो परिवर्तन आता है, क्योंकि वो लगता है कि हमें इससे बच जाना चाहिए, इससे दूर हो जाना चाहिए, या इस जगह से हट जाना चाहिए। तो क्या ये पलायन है या वहां से भागना है, या उस परिस्थिति पर उसका क्या मोड होना चाहिए? देखिए, वो निर्णय हम ले लेंगे। अगर मेरा भाव ठीक है तो उस परिस्थिति को ठीक करने के लिए मेरी क्या भागीदारी हो सकती है। हो सकता है उस क्षण वहां से हट जाना भी एक निर्णय है, या अपनी बात प्रस्ताव के रूप में रख देना भी निर्णय है, या परिस्थिति बिल्कुल ही प्रतिकूल है और उसमें किसी का हित हो रहा है तो रोक देना भी उसको, अगले व्यक्ति को, है ना, वो भी एक निर्णय हो सकता है। ये सारे निर्णय हम ले सकते हैं, और ये जो निर्णय है ये समय के साथ, परिस्थिति के साथ बदल भी सकते हैं। किसी परिस्थिति में ये निर्णय ठीक होता है, किसी परिस्थिति में दूसरा निर्णय भी ठीक हो सकता है, परंतु हमारा भाव ठीक बने रह सकता है। तो एक उदाहरण जो हम लोग कई बार लेते हैं ना, कि कोई बच्चा आग में हाथ डाल रहा है तो उसका हाथ तो रोकेंगे ही पकड़कर, क्योंकि तो बच्चा अभी उस बात को नहीं समझ पा रहा, और एक बार हाथ जल गया तो उसका नुकसान हो जाएगा। बट यदि ऐसी स्थिति है जहाँ पे हम उसको दिखा सकते हैं कि हाँ, आग में हाथ डालने से हाथ जल सकता है, तो उसको उतना दिखाने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। इन दोनों में ही हमारा भाव अपने आप में ठीक बना रह सकता है। समस्या तब आती है जब हमारा भाव बिगड़ने लगता है, हम इरिटेट होने लगते हैं, हम टेम्पर लूज करने लगते हैं, है ना, हम आवेश में आने लगते हैं, तो समस्या है। भैया, जैसे मतलब ऐसा सोते हैं तब भी विचार चलते रहते हैं क्या, हम जब सो रहे होते हैं? हाँ, चलते रहते हैं, बट वही जब डीप स्लीप में होते हैं तो बहुत ठीक से हमको पता नहीं चलता। भैया, विचार के जैसे भी है ना, जैसे हम कुछ भी करने बैठते हैं या पढ़ाई भी करने बैठते हैं, तो उस टाइम और ज्यादा विचार मतलब ऐसे देखने लगते हैं कि ये भी, हाँ ये नहीं करना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये, तो उस टाइम जो काम कर रहे हैं उस टाइम वहाँ ध्यान नहीं लग के कहीं दूसरी जगह ध्यान जाता है, तो उसके लिए फिर कैसे क्या करें हम? इसका एक बहुत ही सरल उपाय है कि आप एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ठीक है ना, कोई भी काम करने जा रहे हैं, और जो जो मुद्दे हैं जिन पे ध्यान जा रहा है
ठीक, उसको लिखते चले जाइए, एक समय बाद एग्जॉस्ट हो जाएगी लिस्ट आपकी, कंप्लीट हो जाएगी। तो ये ठीक ही है कि जब हम आराम से बैठकर कोई काम करने जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो हमारी व्यस्तता के कारण हमारे ध्यान से हट गए, बट उन पर ध्यान देना जरूरी है। तो जैसे कोई काम किसी समय तक पूरा होना है और वो हमने नहीं किया है, किसी व्यक्ति ने कोई बात कही थी और हम भूल गए, अभी बैठे बैठे याद आया, अब अगर उसको अभी भी नोट नहीं करेंगे फिर भूल जाएंगे, तो उसको नोट कर लें, एक लिस्ट बनाते चले जाएं, जितने भी इस तरह के पेंडिंग इश्यूज हैं, ठीक, कोई मेजर कंसर्न है जिसे बार बार ध्यान जा रहा है उसको भी लिख लें, कि हम पढ़ने तो बैठे या कोई काम करने बैठे और कोई मेजर कंसर्न है जिस पर ध्यान बार बार लौट के जा रहा है उसको भी लिख लें, इस मुद्दे पे मुझे रिजॉल्व होना है कि ये काम कैसे पूरा होगा, ठीक, उसको लिख लें। फिर आप देखेंगे एक समय के बाद आप खाली हो जाते हैं, अब आपके पास पर्याप्त समय है कि जिस काम को आप करने बैठे उसको आप कर सकते हैं। अभी विचार को आप लिखें उस समय नहीं कह रहा हूँ, जो आपके कंसर्न्स हैं ना जी, या जो पेंडिंग काम है जिस पर ध्यान जा रहा है उसको तो लिख लें, बट जो विचार वाला मुद्दा है अगर आप इसको लिखने जाएंगे तब तो यही काम होता रहेगा, पढ़ाई लिखाई तो नहीं होगी। फिर भी कोई पढ़ाई करते हुए या अपना काम करते हुए कोई और मुद्दा ध्यान में आएगा उसको फिर से लिख लें, लिस्ट बनाते चलें, और काफी वैल्यूएबल लिस्ट हो जाएगी वो। अब आपके पास जितने भी पेंडिंग टास्क है मेजर माइनर उन सबकी एक लिस्ट बन जाएगी, ठीक है, और फिर उसको लिस्ट अपने पास रखिए दिन भर और उसको एक काम करते रहिए, उसमें उसका मूल्यांकन भी कर लीजिए कि कितना उसमें अनावश्यक है कितना आवश्यक है, जो अनावश्यक है उसका ठीक से मूल्यांकन कर लीजिए तो ड्रॉप हो जाएगा कि नहीं, जो आवश्यक है उसको पूरा कर लीजिए, तो आप पाएंगे कुछ तो हमारे पेंडिंग कामों की सूची होती है जो बन जाती है। दूसरा, कुछ पेंडिंग इश्यूज होते हैं जिसपे हम रिजॉल्व नहीं होते, ठीक, जैसे आप पढ़ने बैठे हैं और परिवार की कोई समस्या आपको ध्यान में आ गई, ठीक है ना, या अपने करियर को लेकर कुछ आपको ध्यान में आ गया, जॉब को लेकर कोई बात ध्यान में आ गई, एंड सो ऑन, समाज का कोई इशू है और उस पड़ोस का कोई इशू है जो आपको ध्यान में आ गया, जो मेजर इश्यूज है और उस पर ध्यान बटा हुआ है, तो आप उसको भी लिख लें और उस पर ठीक से काम करना शुरू करें, है ना, उसको एक प्रोजेक्ट के रूप में लें कि इसमें मुझे रिजॉल्व होना है। अल्टीमेटली रिजॉल्व कैसे होगा उसके बेसिस को भी तय करना है, तो बेसिस उसका भाव ही बनेगा, अगर मेरा भाव ठीक होगा तभी रिजॉल्व होगा, सिर्फ विचार के मुद्दे पे अगर काम करेंगे तो नहीं रिजॉल्व होगा। तो इससे एक तो भाव को देखने की प्रायोरिटी भी बनेगी, और यदि जो आपने बताया कि अभी तक आपने अभ्यास भी किया ना, तो अगर सिर्फ विचार को लिखने का काम किया है तो उसमें तो रिजॉल्व नहीं होगा, वो तो लिस्ट बनती चली जाएगी। इसलिए बात हो रही थी कि विचार के पीछे भाव को देखें। एक बात ये भी हुई थी कि जब आपने विचारों को नोट किया, अब लौट कर उसके बाद उसको देख ले वहां पे मेरा भाव क्या था, किसी व्यक्ति के बारे में आपने विचार किया वहां आपका भाव क्या था, किसी वस्तु के बारे में आपने विचार किया वहां भाव क्या था, उसको लौट के देख लें तो आपको एक सीक्वेंस दिखाई देगा कि कैसे हमारे अंदर एक भाव बना हुआ था उसके साथ विचारों का एक क्रम बन गया, कैसे हम अपने आप इरिटेटेड है ना, परेशान है, अब उसके साथ हमारे विचारों का एक भगदड़ शुरू हो जाता है, हम अपने आप में आराम में है, भगदड़ नहीं होता है, हमारे अंदर संबंध का भाव है तो संबंध का निर्वाह कैसे हो इसका विचार करते हैं, विरोध का भाव है तो दूसरे ने क्या किया, मैंने क्या किया, क्या करना है अगले के साथ, है ना, कैसे निपटना है, अब ये सब बहुत सारा आपके अंदर भगदड़ शुरू होता है विचारों में, तो भाव वाले पक्ष वाले देख लेंगे तो पहले ही ड्रॉप हो जाता है कि अल्टीमेटली तो विरोध का भाव है, चाहे मैं ऐसे करूं या वैसे करूं, इससे मैं भी दुखी होऊंगा अगला व्यक्ति भी दुखी होगा, तो मुद्दा विरोध को ठीक ठीक निर्वाह करने का नहीं है, मुद्दा तो संबंध का निर्वाह करने का है, तो वो बीज रूप में ही ड्रॉप हो जाएगा फिर, इससे पहले कि है ना वो बीज से वृक्ष बने वो बीज रूप में डिस्ट्रॉय हो जाता है, वही परिमार्जित हो जाता है। तो इसको हम लोग ऑब्जर्व करें, है ना, ये अपने आप में ठीक से ऑब्जर्व करें, तो अभी जो बाहर की परिस्थितियों को ब्लेम करने का अभ्यास है अपना, ठीक है ना, उससे भी निकल पाएंगे। कई बार हो सकता है कि आप अपने लाइफ में लिए गए पास्ट निर्णयों को भी ब्लेम कर रहे हैं, तो आपको वो आगे जब हम लोग इस पे बात करेंगे स्टेप 5, 6, 7 में, तो भी आपको दिखाई देगा कि आपकी चाहना तो ठीक रही है, वो जो निर्णय है वो किसी मान्यता के आधार पे आपने ले लिया, इस पे आगे हम लोग काम करेंगे। तो कई बार हम या तो बाहर की परिस्थितियों को व्यक्तियों को जिम्मेदार मानते हैं, या अपने को जिम्मेदार मानते भी हैं तो उसके साथ हमारा भाव बिगड़ता रहता है, क्योंकि हम अपने ही द्वारा लिए गए किसी निर्णय के ऊपर, है ना, अपने आप में रुष्ट होते हैं, परेशान होते हैं। तो आगे और इसको देखेंगे तो और क्लियर होगा कि अल्टीमेटली चाहना तो हमारी ठीक है, समझ के अभाव में कोई निर्णय लिया वो पूरी नहीं पड़ रही जीने में, बट ये तो आपको स्पष्ट होने लगेगा कि ये
सारा जो कुछ भी मेरे अंदर चल रहा है उसके लिए 100% जिम्मेदार मैं। ये बात मैंने इसलिए जोड़ी कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को 100% जिम्मेदार तो मानना शुरू कर देते हैं, परंतु जो कुछ पास्ट में हुआ है अब उसको हम जैसे ही पूरी तरह से अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं फिर हम अपने आप में बहुत दुखी हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। पहले तो दूसरे पे ब्लेम करके हम निकल पा रहे थे या कुछ और उसको मान्यता से जोड़कर निकल पा रहे थे, अब ये स्वीकार लिया कि मैं ही जिम्मेदार हूँ उसके लिए तो हमारा दुख और बढ़ जाता है। तो अगले स्टेप पे जब हम बात करेंगे तो और क्लियर होगा वो चीज। तो इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर मैं दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल पाता हूँ। एक तो ये कि मुझे स्वयं में बदलाव की आवश्यकता है, इसलिए मैं स्वयं के विकास के लिए, परिमार्जन के लिए, प्रयास करने के लिए तत्पर हो पाता हूँ। यदि मैं आराम में नहीं हूँ, मेरी स्थिति सहज सुखद नहीं है, तो मुझे अपने आप में बदलाव करना है, ठीक है ना, और मैं उसके लिए तैयार हो पाता हूँ। इसके साथ ये भी होता है कि मैं दूसरों को दोष देना बंद करता हूँ, दूसरों के प्रति शिकायत से मुक्त हो पाता हूँ, क्योंकि मैं अब देख पाता हूँ कि दूसरा व्यक्ति हो या बाहर की परिस्थिति हो वो मेरे सुख के लिए जिम्मेदार नहीं है, मैं ही स्वयं जिम्मेदार हूँ कि नहीं। तो एक तो ये निष्ठा बनती है कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे अपने आप में परिमार्जन करना है, अपने में बदलाव लाना है, ये स्वीकृति बनती है। ये अभी कई बार दूसरे लोग हमसे कहते भी होंगे बट हमारी स्वीकृति नहीं बनती ना। तो परिवार में कई बार ऐसा होता है कि दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि तुम गलत हो, तुम अपने को सुधार लो, हम कहते हैं तुम गलत हो, तुम अपने आप को सुधार लो, और ये चलता रहता है। तो जब हम इस आधार पर देख पाते हैं कि मेरे भाव का निर्णय तो मैं ही लिया है ना, 100% जिम्मेदार मैं ही हुआ, तो मुझे अपने आप में बदलाव करना है, क्योंकि मेरी स्थिति निरंतर सुख की तो नहीं है, है ना, इस बात को मैं अपने आप में देख पाता हूँ। अब फिर मैं इसके साथ दूसरों को दोष देना भी बंद करता हूँ। ये दो मेजर शिफ्ट है ना, एक तो अपने ऊपर काम करने की तैयारी होना, दूसरा ये दूसरों को ब्लेम करने से बाहर निकलना, क्योंकि अभी हम इन दो जगहों पे फंसे रहते हैं। तो कई बार हमारे अंदर हठ की स्थिति बन जाती है, मैं तो ठीक ही हूँ, मैं जो करता हूँ ठीक ही करता हूँ, ठीक, और अपने आप को जस्टिफाई करने का बहुत प्रयास करते हैं, संबंधों में भी अपने आप में भी, कि मैंने तो ठीक ही किया है ना, मैं तो ठीक ही करता हूँ, मैं बेसिकली ठीक ही आदमी हूँ, और इस तरह से हम अपने आप में जो बदलाव की आवश्यकता है उस पर ध्यान नहीं दे पाते, अपने में जो परिमार्जन के लिए काम करना है उसको स्वीकार नहीं पाते। दूसरी बात ये होती है कि मैं दूसरों को दोष देना बंद कर देता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे दिखता है कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, दूसरे व्यक्ति ने सिर्फ ट्रिगर किया जो मेरी अयोग्यता थी, तो मेरे अंदर शिकायत चला जाता है, जो शिकायत है ना उसका भाव चला जाता है। तो पहले मैं ये सोचता था कि दूसरा व्यक्ति हो या बाहर की परिस्थितियां मेरे दुख के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए मैं उनको दोष देता रहता था और उनके बदलने की आशा करता था, ठीक है ना, और आशा भी क्या है कि बाहर की परिस्थितियां बदल जाए, दूसरा व्यक्ति बदल जाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ही अपने दुख के लिए जिम्मेदार हूँ, इसलिए मुझे कभी भी स्वयं को बदलने की, परिमार्जन करने की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं हुई। तो पहले की स्थिति देखें तो ऐसा है कि बाहर की चीजें बदल जाए, है ना, अनुकूल हो जाए, उसकी आशा लगाए रखते हैं, ठीक, और वो पूरा नहीं हो रहा इसलिए उसकी शिकायत रखते हैं अपने अंदर, ठीक, तो हम उससे निकल पाते हैं, ठीक है ना। दूसरा, मुझे अपने आप में परिमार्जन करना है, ये बात हमें धीरे धीरे दिखने लगती है, और आपको धीरे धीरे ये भी दिखता है कि अल्टीमेटली यही कुल कारण काम है। पूरी शरीर यात्रा में जो मुख्य काम है उतना ही है कि स्वयं में परिमार्जन करना है, शरीर उसके लिए साधन है ना, संबंध उसके लिए अवसर है, उन संबंधों का निर्वाह करते हुए परिवार में, समाज में मुझे अपनी योग्यता दिखाई देने लगती है और मैं उसके ऊपर ठीक से काम कर पाता हूँ। जो परिस्थितियां वो एक अवसर है। तो मैं दूसरों को बदलते देखना चाहता था, दूसरे मुझे बदलते देखना चाहते थे, कभी भी खुद को बदलने की आवश्यकता नहीं देखता था, इसलिए किसी में भी कोई भी सार्थक परिवर्तन नहीं हो पा रहा था, कोई विकास नहीं हो पाता था, न मुझ में न अगले व्यक्ति में, और यही आज की स्थिति है। क्या लगता है, बात ठीक है? इस पर अपना रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या ये बात ठीक है, क्या हम भी यहीं फंसे हुए हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस बात को हम कितना सटीकता से देख पा रहे हैं अपने आप में। आज बहुत सहज सरल तरीके से आपने बताया सर, हमारा यही निवेदन किसी का एग्जाम्पल देके सहज सरल तरीके से इसी बात को आप बार बार जैसे परिवार में देखे है ना, जैसे किसी व्यक्ति का अभ्यास है कि वो कमरे से निकलते हैं लाइट ऑफ नहीं करते,
और आपकी एक मान्यता है कि लाइट ऑफ होना चाहिए अगर कमरे में कोई नहीं है। ठीक, अब वो अगले व्यक्ति ने लाइट ऑन छोड़ दिया, आपने इस दृश्य को देखा और आप परेशान हुए। ठीक, और कई बार हमें ये भी लगने लगता है कि अगला व्यक्ति को पता है मैं इससे परेशान होता हूँ, इसलिए जानबूझ कर लाइट ऑन छोड़ देता है। बिल्कुल ठीक है ना, तो मैं परेशान हूँ, अब मैं इसलिए दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ कि दूसरा गैर जिम्मेदार है, लाइट ऑन छोड़ देता है और ये जानबूझ के छोड़ता है ताकि मैं परेशान हूँ। अब ये पूरे समय हमारे ना चलेगा, है ना। सुबह किसी ने लाइट ऑन छोड़ दिया, वो तो चला गया, ऑफिस चला गया, कहीं और चला गया, अब दिन भर के लिए हमारे लिए काम हो गया। हम अपने आप में बैठे हैं और उस व्यक्ति के ऊपर हमारे अंदर रोष आ रहा है, ठीक, शिकायत का भाव बना हुआ है, इसी कारण ही ऐसा होता है, घर बिजली का बिल बढ़ जाता है, ठीक, और इतनी सारी समस्याएं होती हैं। फिर उसके साथ कई घटनाओं से जोड़ लेते हैं, कोई एक चीज जिसने हमको ट्रिगर किया कि अगले लाइट ऑन छोड़ दिया, अब वो बाकी इतनी सारी जो चीजें घटित हो रही है लाइफ में उस व्यक्ति के साथ, उन सबसे कनेक्ट हो जाता है कि वहां भी इस व्यक्ति ने मुझे परेशान किया, यहाँ भी मुझे इस व्यक्ति ने परेशान किया, और ऐसा हमारे अंदर विचार क्रम चलता रहता है, कई दिन भर चलता रहे, है ना, घंटों घंटों चलता रहे। तो हमको दिखाई दे कि अल्टीमेटली मैंने माना हुआ है कि उसको लाइट ऑफ करना चाहिए और पूरा नहीं कर रहा, ठीक, बट इससे मैं परेशान हो रहा हूँ, ये तो मेरी अयोग्यता है। वो व्यक्ति मेरे कई बार कहने से भी नहीं ध्यान दे पा रहा, ठीक, ये तो उसकी अयोग्यता है, बट यदि मैं परेशान हो रहा हूँ तो मेरी अयोग्यता है। यदि मुझे दिखाई दे कि मेरी अयोग्यता है तो एक काम तो मैं ये करूंगा कि अपने आप में परिमार्जन के लिए काम करूंगा। बिल्कुल। और ये जो मैं दुखी हुआ इसके लिए दूसरे को ब्लेम करने के बजाय अपने ऊपर काम करूंगा। बिल्कुल। और फिर संबंध में मुझे कैसे निर्वाह करना है इसको तय करूंगा। तो ऐसा कोई मैकेनिज्म हो सकता है जहाँ दूसरे को ज्यादा ठीक से बात ध्यान में आ जाए? मेरे कहने की कोई और विधि हो सकती है, कोई और मैकेनिज्म हो सकता है, कोई तरीका हो सकता है, बैठ के अगले व्यक्ति के साथ बात हो सकती है। मैंने एक उदाहरण दिया है, ऐसे दसियों उदाहरण हो सकते हैं हमारे जीने में। तो इसको हम लोग ऑब्जर्व करें, है ना, ये दो निष्कर्ष हम निकाल पा रहे हैं कि नहीं, कि मुझे स्वयं में बदलाव की आवश्यकता है और दूसरा मैं दूसरे के प्रति शिकायत मुक्त हो पा रहा हूँ कि नहीं। तो इतनी चर्चा के आधार पर हम लोग कुछ असाइनमेंट भी ले सकते हैं। तो इसको तो हम अपने आप में ऑब्जर्व करें, ये स्टेप तो हो सकता है हम लोग इस पे 2-3 दिन में चर्चा पूरी कर लें, बट ये काम तो सतत करने का है अपने ऊपर, ठीक है ना। तो कई बार जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम कारण बाहर ढूंढते हैं और फिर इसको ढूंढ कर हम अल्टीमेटली अपने को रिजॉल्व नहीं कर पाते, है ना, अपने में परिमार्जन नहीं कर पाते। तो अपने में परिमार्जन कैसे करना है उसके लिए हम विधि निकालेंगे, उसके लिए हम ध्यान देंगे, उस पर काम करेंगे। तो देखिएगा कि अल्टीमेटली भाव में परिमार्जन होना है। तो भाव में परिमार्जन होता है तो विचार अपने आप ठीक होने लगते हैं, विचार में परिमार्जन होता है तो हमारी जो आशा है वो भी ठीक हो जाती है, जो हमारा चयन है वो भी ठीक हो जाता है, फिर हमारा व्यवहार भी ठीक होने लगता है कि नहीं। भैया ये इन सारी सिचुएशंस में एक जो गहरा संस्कार में देख पा रहा हूँ कि समय की बाध्यता, कितना समय लगेगा किसी व्यक्ति को सुधारने में, या मेरे पास कितना समय है सिचुएशन से निकलने, तो वो समय दिखता तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं वो चलता रहता है अंदर की, देखो इतने दिनों से मैं इस व्यक्ति पे काम कर रहा हूँ, स्वयं पे काम कर रहा हूँ, टाइम बहते जा रहा है बहते जा रहा है, और उस बीच फिर वापिस से इच्छाएं आ जाती है और फिर उनकी तृप्ति में या उनकी पूर्ति में लग जाते हैं। तो ये समय का कंसर्न है, ये बहुत गहरा है भैया, मतलब ये मतलब बोलने में भी नहीं आता, दिखता भी नहीं लेकिन ये चलता रहता है। जी भैया जी, देखिए इसमें एक मुख्य मुद्दा तो ये है ना कि अभी हम संबंध को बहुत सीमित करके देखते हैं, तो ऐसा लगता है परिवार में 4 लोग हैं और इनमें मुझे बदलाव लाना है, ठीक, एक तो अपने में बदलाव लाना है, ये बात हम नहीं देख पाते कई बार, है ना, फिर ये जो 4 लोग हैं इनमें बदलाव लाना है और उनके ऊपर हम सारा समय लगाते रहते हैं। हमें संबंध का भाव जितना स्पष्ट होता है तो मुझे हर मानव संबंधी के रूप में दिखाई देता है, धीरे धीरे मुझे परिवार भी विश्व परिवार के रूप में दिखाई देता है। तो मुझे दिखता है कि ठीक है, जो परिवार के सदस्य हैं उनकी अपनी एक सीमा है, उनका अपना एक अभ्यास है, जैसे मुझे समय लगता है वैसे उनको भी समय लगता है, मुझे कम समय लग रहा होगा उनको ज्यादा समय लग रहा होगा, इतना तो अंतर हो सकता है। कई बार दिखाया कि मुझे ज्यादा समय लगा, अगले व्यक्ति को कम समय लगा कई सारे मुद्दों पर स्पष्ट होने में, और मुझे परिवार के बाहर भी संबंध दिखाई देते हैं। मुझे दिखता है कि जहाँ पे व्यक्ति की ऑलरेडी एक पात्रता बनी हुई है, उसकी एक निष्ठा बनी हुई है समझने के लिए, उसके लिए समय लगाएंगे,
तो हमारे पास समय के सदुपयोग के अवसर की कमी नहीं है। ये जो हम मान लेते हैं कि सारा समय परिवार पे लगाना है, ठीक है ना, फिर हम उलझ जाते हैं, फिर वो भी हमसे परेशान होते हैं, फिर उनको लगता है इनके पास और कोई काम नहीं है, ये हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, बच्चे को लगता है कि हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, स्पाउस को लगता है हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, और भी तो लोग हैं, फिर उसका रिएक्शन भी आना शुरू होता है। बट जब हमको संबंध का भाव स्पष्ट होता है तो पूरा विश्व ही परिवार के रूप में दिखाई देता है, फिर हमको दिखता है कि जहां जो समझने को तत्पर उसके साथ समय लगाएंगे और इनके लिए अनुकूल अवसर बनाएंगे ताकि ये ध्यान दे पाए, समझ पाए। कई बार ये भी होगा कि जब परिवार के बाहर आप काम कर रहे होते हैं और उसपे लोगों में जब परिमार्जन होता है तो उससे परिवार का ध्यान और ठीक से जाता है। जी भैया, तो इससे जुड़े हुए कई प्रश्न हो सकते हैं अपने अंदर, उसको हम लोग बारीकी से ऑब्जर्व करें, उसको बारीकी से देखें और इसी स्टेप पे तो ठीक से अपने को काम करने की जरूरत है, इस निष्कर्ष पे पहुंचने की जरूरत है कि बेसिकली मुझे अपने आप में परिमार्जन करना है, क्योंकि अपने सुख दुख के लिए मैं ही 100% जिम्मेदार हूँ। और इसको मानना नहीं है, है ना, मानने से हो सकता है फिर आप अपने आप को ब्लेम करने लगे, वो भी ठीक नहीं है। तो पहले आप बाहर ब्लेम कर रहे थे, अब आप अपने आप को ब्लेम करने लगे, तो हमें ये दिखाई दे कि मुझे अपने आप में परिमार्जन करना है। तो अभी तक जितना मेरी योग्यता थी उसके आधार पर मैंने निर्णय लिए, उसके आधार पर निर्वाह किया, है ना। हम अपने आर्य में क्यों मान लेते हैं कि मुझे बिल्कुल पूरी समझ के साथ ही शरीर यात्रा शुरू करनी चाहिए थी, या पास्ट में मुझे हर बात समझ में आ ही जानी चाहिए थी, तो जितनी समझ थी उसके अनुसार मैं निर्णय लिए। तो हम दूसरे को ब्लेम नहीं करते, अपने को ब्लेम नहीं करते, बल्कि अपने में परिमार्जन करने के भाव से भर जाते हैं कि मुझे अपने आप परिमार्जन करना है। अभी जहां जहां हम अपने को जस्टिफाई कर रहे थे उसके स्थान पर जहां जहां स्कोप है अपने ऊपर काम करने का, उसको ठीक से हम प्लेस कर पाते हैं, उसको हम निर्णय कर पाते हैं कि हाँ अब ये सारा काम शेष है, किसको आज हम लोग करें, इसको आज है ना बारीकी से देखें। ये चर्चा कल भी हुई थी, इसको हम लोगों ने आज फिर से एक बार रखा, क्योंकि इस निष्कर्ष से पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। तो हमें ये दिखाई दे कि एसेंशियली तो जो भी मुझे काम करना है अपने परिमार्जन के लिए करना है, और ये जो कुछ भी परिस्थितियों के रूप में है ये सब अवसर है मेरे लिए। परिस्थितियां ज्यादा प्रतिकूल होती हैं तो मुझे अपनी अयोग्यता ज्यादा स्पष्ट होती है। तो चीजें अगर स्मूथली चल रही हैं तो मुझे लगता है कि ठीक ही है, मैं भी ठीक हूँ, अगला व्यक्ति भी ठीक है, परिस्थिति भी ठीक है। बट जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो मैं कहाँ कहाँ ठीक नहीं हूँ ये मुझे दिखाई देने लगता है, मुझमें कैसी कैसी अयोग्यता बनी हुई है ये मुझमें दिखाई देने लगता है। तो इसलिए कहते हैं कि परिस्थितियां हमारे लिए एक अवसर है, है ना। तो अगर परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, बिगड़ती हैं, तो उसको तो धन्यवाद देंगे कि मुझमें जो अयोग्यता है उस पर ध्यान आकर्षण करा दिया, मुझे पता भी नहीं था, है ना, अब ध्यान चला गया, उसके ऊपर ठीक से काम करेंगे। तो गृह कार्य के रूप में ये है कि अगले 24 घंटों में आपके साथ घटने वाली सारी घटनाओं तथा दूसरे व्यक्तियों के साथ होने वाले आदान प्रदान में अपने भाव का मूल्यांकन करें और अपने आप से पूछें कि इन भाव का निर्णय कौन ले रहा है, कोई और, बाहर की कोई परिस्थिति, या मैं स्वयं, और आपके सुख दुख के लिए कौन जिम्मेदार है, कोई और, बाहर की परिस्थिति, या मैं स्वयं। और अपने ऑब्जर्वेशंस को अपने जर्नल में नोट करना है, इसको लिख लेना है। ये अभ्यास हम लोग कर ही रहे हैं, इसको हम लोग बनाए रखें, और आप जब अपने जर्नल को उठाकर आगे कभी देखेंगे तो पूर्व में आपकी स्थिति क्या थी और आज आप कहाँ पहुंच पाए, इसको भी देख पाएंगे। तो सेल्फ में कितनी जर्नी हुई है उसको ठीक से हम देख पाएंगे, है ना। अभी तो हम बाहर के परिवर्तनों को देखते रहते हैं, सेल्फ में कितना परिवर्तन हुआ, परिमार्जन हुआ, उसको भी ठीक से देख पाएंगे। तो समय हो चला है, कल हम लोग फिर यहीं से चर्चा शुरू करते हैं। भैया जी, मेरे बीते हुए लाइफ में जो मैंने निर्णय लिया है, जो भी परिस्थिति रही हो उस समय, लेकिन वो निर्णय आज समझ में आ रहा है कि गलत है, और मैं उस निर्णय जो आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले जो निर्णय लिया उससे आज समझ में आ रहा है कि मैं दुख भोग रहा हूँ, अब गलतियां भी महसूस हो रही हैं, तो अब उसको कैसे ठीक किया जाए। देखिए, जो पास्ट है वो तो चला गया, है ना, बट आपके वो संस्कार जो है जिसके आधार पर आपने निर्णय लिए उस पर काम करना है, क्योंकि वो संस्कार उसको कभी भी बने हुए हो। स्टेप 5 में हम लोग इसको और ऑब्जर्व करेंगे कि जो मैं निर्णय ले रहा हूँ उसका आधार क्या है, क्योंकि वो निर्णय के स्तर पे सिर्फ देख रहे हैं तो हमने पूरा नहीं देखा। उस निर्णय लेने का आधार जो था, जो संस्कार था हमारे अंदर, हो सकता है संस्कार अभी भी बना हुआ हो। यदि अभी भी बना हुआ है तो संस्कार के आधार में आगे भी वैसे निर्णय लूंगा। तो मूल रूप से तो वहां काम करना है अपने आप को, जो संस्कारों परिमार्जन हो जाए तभी भाव में परिमार्जन होगा।
उस काम में क्या काम करना है, थोड़ा सा एक दो चार लाइन में बता सकते हो तो बता दीजिए। बिल्कुल भैया, स्टेप 5 में उस पर विस्तार से बात करेंगे। ठीक जी, बिल्कुल बढ़िया बात है, अच्छी बात है, आपके प्रश्न से चर्चा आगे की ओर बढ़ रही है, तो बहुत ही बढ़िया। आज हम लोग इसको दिन भर इस होमवर्क करें, कल हम लोग इसमें फिर शेयरिंग लेंगे, प्रश्न लेंगे, इसको आज हम लोग करते हैं। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।